वेलकम टू सिनेब्रिटी टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट अब आपके मोबाइल पर। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में आपको देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग ट्रैक। अब क्या होगा आगे, आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। शो अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि अनुपमा कान्हा जी के मंदिर में जाती है, वही वनराज भी पहुँचता है और अपने दिल की बात अनुपमा से करता है। वनराज अनुपमा की मांग में सिंदूर भरता है पर अनुपमा उसे मना करती है। वनराज कहता है कि मैं अब बदलना चाहता हूँ, हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो अनुपमा कहती है कि अब हमारा रिश्ता टूट चुका है, मैं माँ बापू जी से आपका रिश्ता तोड़ने नहीं दूंगी और अपने से ये रिश्ता जोड़ने नहीं दूंगी, और अनुपमा वहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ समर नंदिनी की डायरी को पढ़ लेता है। नंदिनी नाराज हो जाती है तो समर उसे काफी समझाता है। समर नंदिनी से प्यार का इजहार करता है लेकिन नंदिनी उसे कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। फिर समर वहां से निकल जाता है तो मन ही मन में नंदिनी कहती है कि मुझे मेरा पास्ट आगे नहीं बढ़ने दे रहा। फिर मंदिर में वनराज को काव्या मिलती है और वो वनराज से कहती है कि अनिरुद्ध को दूसरा मौका देना चाहती हूँ। ये बात सुनकर वनराज चौंक जाता है। वनराज काफी परेशान हो जाता है अनुपमा और काव्या की बातों को सुनकर। फिर वो घर पर वापस आता है लेकिन इससे पहले वो काव्या के घर जाता है तो उसे अनुपमा देख लेती है। वनराज काव्या से बात करता है, ये सब तुम क्या कर रही हो? तो काव्या कहती है कि तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो, मैं और अनिरुद्ध अब एब्रॉड शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। और अब आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज और काव्या दोनों मिलकर घर पर वापस आएंगे। वनराज अपने घर वालों से कहेगा कि मैं काव्या के साथ जा रहा हूँ, अब मैं इसी के साथ रहूंगा और इस बार मैं इस घर से दूर नहीं जाऊंगा, तो अनुपमा की जिंदगी से भी दूर जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए और काव्या से शादी करूंगा। तब अनुपमा वनराज को कहेगी कि ये फैसला आपने किया है, अब मैं भी ये फैसला लेती हूँ कि मैं आपसे तलाक लूंगी। और इसके लिए अनुपमा वनराज के फ्रेंड वकील को भी फोन करती है। अब क्या होगा आगे, क्या वनराज और अनुपमा में हो पाएगा तलाक? अनुपमा से जुड़ी और भी ताजा अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।